हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, डेट इज कॉल पॉलिनोमियल। और आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x -4x2+3, और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 द वैल्यू ऑफ x को डालेंगे और देन देखेंगे कि उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे पी ऑफ एक्स। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और आपकी जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो इन टर्म ऑफ एक्स दे रखी है, इस करके ब्रैकेट में हम एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर वाई लिखा होता तो हम ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, वाई। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब जो आपको फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक्स बराबर 0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पी ऑफ 0 जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ आप रिप्लेस कर दोगे 0। 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3। अगर हम देखें तो 5 × 0 0 -0 +3 = 3। मतलब जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी देन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। सेकंड पार्ट देखिए, आपको बोल रहे हैं x बराबर -1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे -1। तो 5 × -1 -4 -1 का होल स्क्वायर +3। 5 × -1 आपका हो गया -5 -4 एज इट इज। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1+3। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो -5 -4+3 -, तो ये हो गया आपका -9+3 −6। मतलब पी ऑफ -1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -6। थर्ड पार्ट देखिए, आपको कह रहा है कि x बराबर 2, मतलब पॉलिनोमियल में हम x की जगह रिप्लेस करेंगे वैल्यू 2। तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3। 5 × 2 = 10 -2 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 +3। 10+3 13, 13 -16 −3। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको कह रहा है कि फाइंड पी ऑफ 0, मतलब पॉलिनोमियल एट वैल्यू 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पॉलिनोमियल गिवन है और वो बोल रहा है कि 0, 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y गिवन है, तो सबसे पहले हम उसी को अगेन लिखते हैं, वाई स्क्वायर -y+1। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपको कह रहा है कि पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 मतलब पॉलिनोमियल जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू डालनी है 0 वेरिएबल की जगह। तो अगर आप पी ऑफ y आपका इतना है तो पी ऑफ 0 मतलब जहाँ से आपका y है उसकी जगह आप कन्वर्ट कर दोगे 0। तो 0 का स्क्वायर -0+1 = 1। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है पी ओ 1, मतलब जहाँ जहाँ आपका वाई है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1। तो ये आपका बन गया 1 का स्क्वायर 1 -1+1, तो 0+1 = 1। थर्ड पार्ट आपको कह रहा है पी ओ 2, तो जहाँ आपका वाई है उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर -2+1 = 4 -2+1। 4 में से 2 गए 2, 2+1 = 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। सेकंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पी ऑफ टी, मतलब एक पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ टी आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले हम जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म ऑफ टी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2+t + 2t² -t³। सबसे पहले हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ 0, मतलब जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे
जीरो की वैल्यू, तो ये आपका आ गया 2 प्लस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का होल क्यूब। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो डेट इज इक्वल टू 2। सेकेंड वैल्यू अगर हम देखें तो पी ओ 1 निकालना है, तो जहां जहां आपका टी है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे 1, तो 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 1, और 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गए तो आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है इसमें पी ऑफ 2, मतलब जहां आपका वेरिएबल है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे वैल्यू 2, तो ये आपका बन गया 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये आपका बन गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 जाए 8, माइनस 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 8, तो 8 में से 8 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स क्यूब और आपको इन वैल्यू की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और आपको पॉलिनोमियल की इन पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे जो आपको गिवन है, और वन बाय वन हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोला है कि पी ऑफ जीरो, मतलब जहाँ भी आपका वेरिएबल है उसके जगह आप रिप्लेस कर दोगे जीरो, तो आपका आ गया जीरो का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड उसने बोला पी ऑफ वन, मतलब जहाँ जहाँ आपका एक्स है उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे वन, तो वन का क्यूब कितना होता है 1। पी ऑफ टू, मतलब जहाँ जहाँ आपका एक्स है तो उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, और आपको एक पैटर्न गिवन है, और आपको पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लिखेंगे जो आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, देन हम सबसे पहले पुट करेंगे पी ऑफ जीरो, तो जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन डेट इज माइनस वन विद इन ब्रैकेट, यहाँ आएगा प्लस वन। तो बच्चे गलती से क्या करते हैं, माइनस वन प्लस वन लिख के जीरो आंसर लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक आपने नहीं करनी। सेकेंड पार्ट आपको बोला गया है कि पी ओ वन, तो वन माइनस वन वन प्लस वन, और आपको बताया कि वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। पी ऑफ टू, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू माइनस वन टू प्लस वन, टू में से वन गया वन, और टू प्लस वन थ्री, तो ये कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके अगेंस्ट उसके जीरोज गिवन है, तो वो क्या कह रहा है कि क्या वो वैल्यू उसकी है या नहीं, मतलब अगर मैं उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालूंगा तो वो डालने के बाद उसकी वैल्यू जीरो बनती है नहीं बनती, अगर वो बनती है तो देन वो उसके जीरोस कहलाएंगे, अगर नहीं बनती तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझें तो आपको वो समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, आपको गिवन है पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स 3x प्लस 1, और उसके अगेंस्ट उसका एक जीरोज दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिखेंगे, देन जो आपको एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है हम उसी को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू डालने से ये क्या जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1 बाय 3, 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसके और ये बोथ है रेसिप्रोकल, तो ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर बन गया माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0। मतलब ये वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस एक्स बराबर माइनस 1 बाय 3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स जो आपको ऑलरेडी गिवन है पी ऑफ एक्स, तो समझ आया आपको।
सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है 5x माइनस पाई, और आपको एक एक्स की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो वो क्या कह रहा है कि क्या ये वैल्यू इस पॉलीनोमियल की जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉलीनोमियल को लिखेंगे जो आपको ऑलरेडी गिवन है 5x माइनस पाई। अब एक्स की जगह हम 4/5 को रिप्लेस करके देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू डालने से पॉलीनोमियल जीरो आ रहा नहीं आ रहा। तो 5 × 4/5 माइनस पाई, अगर मैं 5 को इससे कैंसिल आउट कर दूँ तो कितना आ गया 4 − π। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या ले, तो आप क्या करोगे 22/7 ही लेकर देखोगे, तो 22/7, और अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 28 − 22/7 दैट इज इक्वल टू 6/7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि एक्स बराबर 4/5 इज नॉट ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको एक पॉलीनोमियल दे रखे है x²-1 और उसके बिहाफ में आपको दो वैल्यूज दे रखी है x = 1 और x = -1। आपको बताना है कि क्या ये दोनों वैल्यू इस पॉलीनोमियल की जीरोस कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। तो 1 by 1 हम चेक करते हैं कि क्या ये उसके जीरोस है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी एक्स बराबर है x²-1। सबसे पहले हम लिखेंगे पी ओ 1, तो जहाँ जहाँ आपका x है उसी जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया, तो 1 − 1 डेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 1 डालने से इसकी वैल्यू 0 जा रही है, तो यहाँ पर लिखोगे यस x = 1 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। अब सेम पॉलीनोमियल में हम इसके अनदर वैल्यू को पुटअप करेंगे पी ऑफ -1। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो -1 का स्क्वायर इज -1, तो 1 − 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस वैल्यू पे भी ये क्या कह रहा है, 0 बना रहा है। तो x = -1 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है पॉलीनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, और आपको एक पैटर्न गिवन है और उसके बिहाफ पर आपको दो जीरोस दे रखे हैं, और आपको चेक करने की क्या उसके जीरो है या नहीं। तो 1 by 1 हम उसकी वैल्यू को डाल के चेक करते हैं। सबसे पहले हम पी एक्स लिखेंगे, वो आपको गिवन है x + 1 x − 2। फर्स्ट केस हम करेंगे पी ऑफ -1, तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है उसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम -1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो -1 + 1 0, और 0 × something 0 हो जाएगा, 0 × −3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि यस x = -1 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। तो अब सेकेंड केस देखते हैं इसका, आपको दे रखा है x = 2, तो आप जहाँ जहाँ आपका पॉलीनोमियल की x की वैल्यू वहाँ रिप्लेस करेंगे 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 − 2 0, तो 3 × 0 बराबर है 0। तो मतलब ये भी उसका क्या कहलाएगा, पॉलीनोमियल कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है पार्ट नंबर 5, पॉलीनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, आपको दे रखा है x², और आपको बताना है कि क्या x = 0 इज ए जीरोज ऑफ द दिस पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलीनोमियल लिखेंगे पी ऑफ x = x², देन आप उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यू दे रखा है उसको हम पुट करेंगे x की जगह। तो आपको बताएगी कि 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ आप मैंशन करोगे यस x = 0 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स।
देखिए पार्ट नंबर सिक्स आपको दे रखा है पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस एम बाई एल। आपको प्रूव करना है कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इस पॉलीनोमियल में पुट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आप लिखोगे पॉलीनोमियल जो आपको गिवन है, और एक्स की जगह आप रिप्लेस कर दोगे माइनस एम बाई एल। तो एल ब्रैकेट माइनस एम बाई एल प्लस एम, आपको पता है कि ये दोनों टर्म आपकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जो नीचे टर्म है वो ऊपर है वो कैंसिल आउट, तो आपका आ गया माइनस एम प्लस एम बराबर है जीरो। तो यहाँ पर लिखोगे यस एक्स बराबर माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए पार्ट नंबर सेवन, आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है और उसके बयान पर दो जीरोस दे रखे, और आपको चेक करना है कि क्या ये इसके जीरोस है या नहीं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको पुट अप करेंगे इस पॉलीनोमियल में। तो आपका जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी पी ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वन। आपको बताया कि माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस वन, और आपको बताया कि जब दो बार रूट वाले टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आ जाता है रूट नाइन, और रूट नाइन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसको क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर। तो स्क्वायर इसको रूट काट देगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री माइनस ऑफ वन, तो ये चीज़ से कैंसिल आउट, तो वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये वैल्यू डालने से इसकी वैल्यू जीरो आ गई, दैट मीन्स कि यस एक्स माइनस वन बाय रूट थ्री क्या है इज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। अब हम सेम पॉलीनोमियल में सेकंड वैल्यू को डाल के देखेंगे क्या ये इसका जीरो है या नहीं। तो पी ऑफ टू बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। थ्री एज इट इज, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, होल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन। तो थ्री ने थ्री कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया फोर माइनस वन, और फोर माइनस वन इज टू थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे नो एक्स बराबर टू बाय रूट थ्री इज नॉट ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको दे रखे है एक पॉलीनोमियल टू एक्स प्लस वन, और उसके बयान पर एक जीरो दे रखे है वन बाय टू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलीनोमियल को लिखेंगे जो आपको गिवन है, देन हम उसमें इस जीरोज को डाल कर चेक देखेंगे कि क्या ये वैल्यू डालने से वो जीरो बन रहा नहीं बन रहा। तो टू इंटू हाफ प्लस वन, टू ने टू को कैंसिल आउट किया तो वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर लिखोगे नो एक्स बराबर वन बाय टू इज नॉट ए जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक पॉलीनोमियल दे रखी है और देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उसके जीरोज क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको एक मेथड याद रखना है कि जो भी आपको पॉलीनोमियल दे रखी है तो सबसे पहले आप उसको इक्वेट करोगे जीरो के। जैसे कि अगर फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको पी एक्स इन टर्म ऑफ एक्स दे रखी हो या वाई टी एनी वेरिएबल, देन पहले आप उसको इक्वेट करोगे जीरो के। ये आपका स्टेप हर एक में लगेगा, ये वाला क्वेश्चन हो या एनी अदर क्वेश्चन, जब भी आपको जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने होंगे तो सबसे पहले आप पॉलीनोमियल को इक्वेट करोगे जीरो के, और आप देन उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपको पॉलीनोमियल दे रखी है तो वहाँ इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। जैसे यहाँ पर पी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है एक्स प्लस फाइव, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे एक्स प्लस फाइव बराबर है जीरो। को बताया कि अगर मैं प्लस फाइव को मूव करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये आपका क्या बन गया एक्स बराबर है माइनस फाइव,
और यही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अभी डायरेक्टली डाल के देखोगे तो माइनस फाइव प्लस फाइव क्या हो रहा है, जीरोज हो रहा है। मतलब इस वैल्यू पर ये पॉलीनोमियल क्या बन रहा है, जीरोज बन रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस फाइव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स को इक्वेट करेंगे जीरो के, देन पी ऑफ एक्स की जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पुटअप करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, प्लस फाइव। तो मतलब ये इस पॉलीनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। पार्ट नंबर थर्ड, आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है टू एक्स प्लस फाइव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको पॉलीनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स उसको इक्वेट करेंगे जीरो के, देन जो आपकी पॉलीनोमियल की वैल्यू दे रखी है उसकी जगह यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी आपका कॉन्स्टेंट है सबसे पहले उसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो आपको पता है कि प्लस फाइव वहाँ जाके क्या बन गया, माइनस फाइव। टू यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, माइनस फाइव बाय टू। तो ये आपका जीरो चौथा पॉलीनोमियल कराएगा ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है थ्री एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स को इक्वेट किया जीरो के, देन यहाँ पर आपने लिखा थ्री एक्स माइनस टू बराबर है जीरो। देन आप क्या करोगे, जो भी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो आपको पता कि माइनस को अगर हम मूव करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड। तो ये आपका आंसर क्या बन गया, एक्स बराबर है टू बाय थ्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है पार्ट नंबर फाइव, पी ऑफ एक्स बराबर है थ्री एक्स, और आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी एक्स बराबर है जीरो इसके इक्वेट किया, देन थ्री एक्स बराबर है जीरो, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। और किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करें तो वो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स बराबर है ए ऑफ एक्स, तो और ए आपका जीरो नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स को इक्वेट किया जीरो के, देन यहाँ पर हमने पी एक्स की वैल्यू डाली, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। ए आपका एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो एक एनी नंबर है, तो देन किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका पेपर में अराइज हो सकता है। आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी एंड डी आर रियल नंबर। यहाँ पर आपको जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेट करते हैं पॉलीनोमियल को जीरो के, और जो आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी होती है उसको हम यहाँ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। अब d क्या है, एक रियल नंबर है, तो एज ए कॉन्स्टेंट ही माना जाएगा वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंट को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो दैट इज इक्वल टू माइनस d। अब c भी एक ऐसा नंबर है, तो जिस करके ये मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस d बाय c। और c हमारा जीरो नहीं है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर जीरो, क्योंकि अगर यहाँ पर c जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि वो हमारा नॉट डिफाइंड है। इस करके यहाँ पर ये मेंशन है कि c इज नॉट इक्वल टू जीरो और c एंड d आर रियल नंबर्स। तो ये था आपका ए सेवन पार्ट का सोल्यूशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी स्कूलों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो करके इस क्वेश्चन को जरूर करें।